अरे क्या अच्छा है, एक मिनट कोयल, ये क्या, ये मेरा पेट इतना थोड़ा बड़ा है भाई। अरे ये भविष्यवाणी है, अब ज्यादा खाओगे ना तो पेट इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा कह रही है कोयल बहन। अच्छा तो ठीक है फिर, आज से खाना बंद, तुम लोग खाओ भाई, मैं नहीं खाता हूँ आज। मैं तो मजाक कर रही थी। तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। अरे खाना थोड़ी कोई बंद कर सकता है, वो भी दया भाभी के हाथ का है। चलो चलो खा लेते, आइए 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 बैठिए बैठिए बैठिए, मैं इधर, आप इधर बैठिए। इस तरह से खाना खाना बिल्कुल सर्वण नहीं है। उसका ये वो सबको खिला के अन्नपूर्णा देवी है हमारी, सबको खाना खिला के बाद में खाती है। थैंक यू। ओ छोले खमन ना खांडवी, आज तो ये सीतापुर बसुंधी, क्या बात है दया भाभी, आज तो इतना जम के खाना है जिसकी हद नहीं। पेट भर के खाना सब आपके लिए ही बनाया है, बिल्कुल सर्वनम पर। अंजलि आज कोई रोक टोक नहीं। हाँ अंजलि भाभी, आज आज बिल्कुल नहीं है। हेलो जेठालाल। ओ आओ आओ पोपटलाल आओ। ओ घर की चाबी देने आया था। ओ हो तुम्हारा घर की चाबी इधर हमारे घर पे? क्यों भाई मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं नहीं आ सकता है भाई, लेकिन पहली बार इधर चाबी देने आए हो तुम। नहीं नहीं वो क्या है ना जेठालाल, मैं बबीता जी के घर गया था तो वहाँ ताला था। कहाँ गए? मुझे क्या मालूम, तो मैंने सोचा यही आकर चाबी दे देता हूँ। हाँ। अंजलि भाभी लीजिए। हाँ। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ ओके। दया भाभी चलता हूँ। पोपट भाई ये क्या, आप घर पर आए हैं तो खाना खाकर तो जाइए। आप इतना कह रही है तो फिर मैं खाना खाकर ही जाता हूँ। हाँ बैठो बैठो। हाँ जेठालाल ओके जेठालाल। चलिए खाने की शुरुआत कीजिए, और देखिए खांडवी है ना उसमें तो मेरी स्पेशलिटी है। जेठालाल इस पोपटलाल की हरकत देख रहे हो, जब से कोयल आई है इससे नजदीकियां बढ़ाने के चक्कर में। अरे कोयल तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो भाई, लो भाई। कल से बार बार घर आ रहा है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी यहाँ भी इसी के चक्कर में आया। और ये चाबी वाबी देना सिर्फ बहाना है ताकि वापस चाबी लेने घर आ सके। अच्छा हाँ देखो देखो ना दया भाभी की स्पेशलिटी है खांडवी। अरे मैं तो सब खाइयो ना। लो 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 खाना लो। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है मेहता साहब, फुल प्लानिंग में पोपटलाल आपका साधु भाई बनने के लिए। लटोड़ा पटोड़ा हो गया कोयल के पीछे। गुरु पे मक्खी कैसे भिनभिनाती है वैसे भिनभिना रहा है कोयल। पोपट जंगल में साथ रह सकते भाई, ये शहर है, इतनी छोटी सी चीज नहीं समझता। ये तो यार इरिटेट कर रहा है भाई आपको। क्या मतलब? ये मतलब हो सकता है कोयल को पोपट पसंद हो। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, कोयल को पोपट कैसे पसंद आ सकता है यार? भाई जमाना बदल गया, कुछ बोल नहीं सकते यार। जेठालाल किस तरह की बात कर रहे हो, जमाना बदल गया का क्या मतलब है यार, कोयल पोपट को पसंद करेगी? अच्छा चलो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कभी पसंद भी कर दिया तो हमें तो समझाना पड़ेगा ना यार, जेठालाल कुछ करना पड़ेगा। तो सोचो कोयल पोपट की जोड़ी यार, सोच के देखो यार आपस में कुछ जमती है कहीं से।
बराबर तो नहीं लग रही है, वो इतनी बेचारी छोटी और इतना लंबा, उम्र में भी बहुत तफावत है ना, जोड़ी बराबर तो नहीं लग रही है। अरे तो फिर कुछ करना पड़ेगा भाई जेठा। थैंक यू। अरे दया, टुपू के पापा, ए कोयल को अपने साड़ियाँ तो दिखा, सब बढ़िया बढ़िया साड़ी है दया के पास, देखो देखो। अरे हाँ कोयल, मैंने अहमदाबाद से नई साड़ियाँ खरीदी है, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। चलो चलो। अरे भाई पोपटलाल। हाँ जेठालाल। एक मिनट। हाँ हाँ बोलो जेठालाल। तुम कहाँ औरतों के बीच में जा रहे हो भाई? साड़ियाँ देखने। क्यों तुम साड़ी पहनते हो? क्या जेठालाल तुम भी। चलता। अरे भाई एक मिनट, तुमसे बात करने जरा बैठा। अच्छा अच्छा अच्छा। दुर।